क्रोमियम क्रोमियम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टिक मोमेंट थ्री पॉइंट एट सेवन एंड कोबाल एट सेवन बोर मैग्नेटॉन्स तो चलिए यहाँ पे क्रोमियम थ्री प्लस और कोबाल टू प्लस की बात हो रही है और दोनों में कह रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो पहले इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन हम लोग चेक कर लेते हैं तो क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगेशन लिखोगे इसका ट्वेंटी फोर होता है तो कन्फ्रगेशन आएगा 3D5 और 4S1. अब यहां पे पे क्रोमियम स्टेट में है इसलिए आप लिखोगे थ्री इलेक्ट्रॉन से बाहर करना पड़ेगा तो आ जाएगा यहाँ पे थ्री डी थ्री एंड फोर एस जीरो डी आर्बिटल में यहाँ पे कुल तीन इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है देयर आर टोटल थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एलॉन्ग विम थ्री प्लस अब यही इसका चेक कर लेते हैं कोबाल्ट का तो कोबाल ट्वेंटी सेवन होता है ये होगा थ्री डी सेवन फोर एस टू और जब कोबाल टू प्लस लिखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जाएगा S से के इलेक्ट्रॉन सेवन ही रहेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यहाँ पे भी अनप इलेक्ट्रॉन अभी तीन आपको दिख रहा है मतलब कि दोनों के केस में अनप इलेक्ट्रॉन थ्री है मतलब ये आपका जो कॉन्सेप्ट है जो बोल रहा है वो तो सही है अब आगे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इनका अलग अलग फिर क्यों आ रहा है ठीक तो मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग जानते हो कि दो वजह से होता है यानी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे दो अलग अलग होते हैं एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट और एक को बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी एक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट होगा उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा तो वहां पे जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो दोनों के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो गया इसलिए आप बोलोगे कि दोनों का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो दोनों में सेम है ठीक अब हम आते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता तो है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें एक फैक्टर होता है ऑर्बिटल की सिमेट्री और एक फैक्टर होता है अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट यहाँ पे जो इन दोनों फैक्टर को इंक्लूड करते हो एक साथ तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कोबाल्ट टू प्लस का ज्यादा मिलता है क्रोमियम थ्री प्लस से और इसी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ज्यादा होने की वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो कोबाल्ट के लिए हो जाता है ज्यादा और क्रोमियम के लिए रहता है कम इस वजह से जो कोबाल्ट होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.87 शो होता है और इसका थोड़ा सा कम रहता है तो आपसे रीजन पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोबाल्ट टू प्लस इज मोर देन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द क्रोमियम थ्री प्लस दैट्स वाई द कोबाल्ट टू प्लस सो मोर मैग्नेटिक मोमेंट ये इसका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ आप लोग पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू